जिनको सोराइसिस का रोग हो जाता है, जिनको चर्म रोग हो जाता है, उसमें शरीर पर चकते बन जाते हैं, लाल लाल बड़े चकते बन जाते हैं, पस पड़ने लगता है, खाल उतरने लगती है, खून निकलने लगता है, हमारे सिर में फंगस बन जाती है, सिर की खाल फूल जाती है और वह सॉफ्ट बन जाती है और वह सिर से लेके कमर तक नीचे की तरफ को उतरने लगती है। जिनको सोराइसिस का रोग हो जाता है, शरीर पे जहाँ भी चकते बन जाते हैं वहाँ से शरीर के बाल निकल जाते हैं। अगर किसी के सिर पर हो जाता है तो सिर के बाल सारे खत्म हो जाते हैं। तो आइए आज हम आपको आयुर्वेद के द्वारा ऐसी रामबाण औषधि के बारे में जानकारी देंगे जिससे आप अपनी सोराइसिस की बीमारी को ठीक कर सकते हैं। आप इसे अच्छी तरह से कागज़ पर नोट भी कर सकते हैं। दोस्तों, जिनको भी सोराइसिस का रोग है, जिनको चर्म रोग है, इसके लिए हम दोनों तरफ से अटैक करते हैं, अंदर से भी और बाहर से भी, जिससे चर्म रोग को पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। इसका मतलब है कि हम आपको खाने के लिए भी दवाई देंगे और शरीर पर लगाने के लिए भी दवाई देंगे। दोस्तों, चर्म रोग को पूरी तरह से ठीक करने के लिए, सोराइसिस की बीमारी को ठीक करने के लिए हमें तीन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। ध्यान रखें, आपको नेपाली चिरैता का ही इस्तेमाल करना है अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए। बाज़ार में अगर किसी भी प्रकार से आपको कोई और चिरैता के नाम पर चीज़ दी जाती है तो उसका इस्तेमाल आपको नहीं करना है। हम आपको ये दूसरी चीज़ दिखा रहे हैं, इसको कहते हैं कुटकी। इस कुटकी का इस्तेमाल किया जाता है। नेपाली चिरैता और कुटकी दोनों को बराबर मात्रा में आपको लेना है। इसको पाउडर फॉर्म में तैयार करना है। हमने ये तैयार कर रखा है। ये है नेपाली चिरैता। ये पीसने के बाद इस प्रकार दिखाई देता है और ये हम आपको दिखा रहे हैं। ये है कुटकी का पाउडर। यह पीसने के बाद इस प्रकार दिखाई देता है। और ये तीसरी चीज़ है जो लिक्विड फॉर्म में है, इसको कहते हैं नीलगिरी का तेल। अब इसको लिया कैसे जाता है और इसे लगाया कैसे जाता है दवाई को, ये पूरी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो आइए हम आपको पहले खाने वाली दवाई के बारे में जानकारी देते हैं कि इसे लिया किस प्रकार जाता है। यह दोनों पाउडर कम से कम आपको लेना है 2.5 से 3 ग्राम की मात्रा में नेपाली चिरैता का पाउडर और 2.5 से 3 ग्राम की मात्रा में लेना है कुटकी का पाउडर। यह दोनों को बराबर मात्रा में मिलाकर अच्छी तरह पानी में इसे जो है घोल के आप ढक के रख देना। रात को भिगोना है ये पानी में, इस बात का ध्यान रखना है। जब आपको इसको दवाई को अच्छी तरह मिलाकर रात को ढक के छोड़ देते हैं तो सुबह के समय इस दवाई को छान कर खाली पेट पिया जाता है। दिन में एक बार पिया जाता है, सुबह को खाली पेट पिया जाता है। इस पाउडर के पानी को छान कर पीना है। हम आपको दोबारा बता रहे हैं, सुबह के समय जब आप इस पानी को पीते हैं तो ये पूरी तरह से आप अच्छी तरह से छान लीजिए, जो इसमें से मैटेरियल निकलेगा उसे फेंक दीजिए और पानी ही पीना है, सुबह को खाली पेट पीना है। दोस्तों, हम आपको ये नीलगिरी का तेल दिखा रहे हैं। ये प्योर नीलगिरी का तेल है। यह जब इस्तेमाल किया जाता है तो ये 20 ml की मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है। 200 ml आपको नारियल का तेल लेना है। आपको एक बात का ध्यान रखना है, सोराइसिस बड़ी गंभीर बीमारी होती है। अगर आपको इसको ठीक करना है तो नीलगिरी का प्योर तेल ही इस्तेमाल करना। यह आपको 1:1 लेना है और 10:1 की मात्रा में नारियल का तेल लेना है। आपको यह दोनों को अच्छी तरह से मिलाकर एक कांच की शीशी में भर के रख लीजिए और जहाँ पर आपको समस्या है, बीमारी है, जहाँ आपके चकते पड़े हुए हैं कि या किसी प्रकार के कोई निशान है, तो वहाँ पे आप इसको लगाकर आराम आराम से लगाना है। रुई के द्वारा लगाइए जिससे आपके घावों पर किसी प्रकार की समस्या ना हो। आपके लिए एक और आपको जानकारी दी जा रही है, आज रात को सोते वक्त आप कम से कम 5 ग्राम की मात्रा में हल्दी का सेवन भी आपको करना चाहिए। इससे आपका किसी भी प्रकार का कोई बॉडी में इन्फेक्शन है तो वह भी खत्म होने लगता है। आयुर्वेद में जिस तरह से दवाइयों का महत्व है, जड़ी बूटियों को महत्व दिया जाता है, इसी प्रकार से परहेज को भी बहुत महत्व दिया जाता है। आपको अगर सोराइसिस की बीमारी है तो आपको खटाई, गुड़, मिर्च, मसाले, गरम मसाले या किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थ, आपको शराब, सिगरेट और तंबाकू से परहेज करके रखना है। दोस्तों, ये सोराइसिस के अलावा आपके ब्लड में अगर किसी भी प्रकार का कोई इन्फेक्शन है या आपके शरीर पर किसी प्रकार का कोई फोड़ा फुंसी है या खुजली की समस्या है या गुप्तांगों में कुछ खुजली की समस्या है तो वह बीमारी भी इस दवाई से ठीक हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमसे और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं सोराइसिस के बारे में।
दोस्तों आप ये स्क्रीन पर वीडियो देख रहे हैं, ये पुरुषों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, इसे देखना ना भूलें। दोस्तों हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगला वीडियो देखने के लिए बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आयुर्वेद शाला है आयुर्वेद की पाठशाला। नमस्कार।